जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएल में सभी तरीके की वैकेंसीज आ गई, जेई की आ गई, ए की आ गई, सबका एग्ज़ाम भी हो गया और भी अलग अलग तरीके की वैकेंसीज आ गई हैं और सबका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन यूपीपीसीएल में TG2 की वैकेंसी नहीं निकल रही है और आप लोग को लगभग एक साल कम्प्लीट होने वाला है यूपीपीसीएल में TG2 की वैकेंसी निकले हुए। तो अगर अभी तक के इसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिल रही है और आप में से बहुत सारे लोग रोज़ मैसेज करते हैं कि सर ये वैकेंसी कब आएगी, कोई अपडेट है कि नहीं है, तो आज मैं आपके लिए यही वीडियो में अपडेट लेकर के आया हूँ यूपीपीसीएल TG2 से रिलेटेड। तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। चलिए सीधे आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक हम लोग का है कि क्या अपडेट है। तो मेन अपडेट ये है कि आप में से ही एक सब्सक्राइबर ने RTI फाइल करी थी तो उनको RTI का जवाब आया है और उस जवाब में मिली है एक अपडेट और यही अपडेट मैं आपको बताऊंगा। तो उस चीज़ के लिए अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए और उसको ऑल पर सेट करिए और इस वीडियो को तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। भैया को बताते हैं कि जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने TG2 भर्ती से रिलेटेड क्या RTI डाला था, उसका क्या जवाब मिला है। देखिए, उन्होंने सवाल किया था कि TG2 के कितने पोस्ट खाली हैं और कितने पोस्ट ऐसे हैं जो कि भरे जाने हैं UPPCL में। तो उसी से रिलेटेड जो उनको जवाब मिला है, उसके जवाब में लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 608 पोस्ट आपके TG2 के खाली हैं और इनको बहुत जल्दी भरा जाना है, इन फ्यूचर में ये भरे जाएंगे इसका मतलब। तो यही एक सीधी सी अपडेट है कि UPPCL में 608 पद अभी भी TG2 के खाली हैं। और बात करते हैं अगर लाइनमैन की, तो आपने देखा था कि 4100 कुछ पद लाइनमैन के भी आए थे, तो इसका मतलब उतनी वैकेंसी लाइनमैन की भी है। इसका मतलब आपने देख रहे हैं कि कुल मिला के 4000 से 5000 वैकेंसी अभी भी TG2 और लाइनमैन की खाली है और इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में भर्ती आनी है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब भर्ती नहीं आएगी तो आप लोग फिर से सोच लीजिए और इस भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि JEE और AE की जो वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम हो चुका है और सबकी आंसर शीट भी आ चुकी है और उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक के वो वैकेंसी का रिजल्ट भी आ जाएगा JEE और AE की। तो आप ये देख रहे हैं कि UPPCL बहुत जल्दी जल्दी JEE और AE की वैकेंसी को क्लियर कर रहा है। तो इससे उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी इन फ्यूचर आपका 2-3 महीने के अंदर आपकी TG2 की वैकेंसी की अपडेट भी देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ की तैयारी आप अभी से शुरू कर दें क्योंकि खाली इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। और RTI के माध्यम से ये पता भी चल गया कि 608 पद अभी भी खाली हैं, तो इन फ्यूचर कोई ना कोई किसी ना किसी नंबर में भर्ती तो आएगी ही, चाहे संख्या कम ज़्यादा हो लेकिन भर्ती की पूरी संभावना है। तो इसी चीज़ के लिए आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें और तैयारी करने के लिए आप लोग इलेक्ट्रिकल विजन से संपर्क कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल विजन के मार्गदर्शन में आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ नहीं आ सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सुविधा दी जाएगी। हम लोग का पोस्टल कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है और इसको स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप घर बैठे ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर का स्टडी मटेरियल हिंदी वर्जन में मिलेगा, इलेक्ट्रिकल का स्टडी मटेरियल इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो जो लोग हिंदी लेना चाहते हैं आप हिंदी ले सकते हैं और इंग्लिश अगर आप प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश भी आप ले सकते हैं। सबकी डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी लाइव क्लासेस पेड कोर्स चल रहा है तो पेड कोर्स भी आप लोग लेकर के पूरा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आप पढ़ सकते हैं, वो सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कैसे क्या करना है ये सब आपका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं ये जो जानकारी दी जा रही है ये सही है भी या नहीं, तो इसके लिए देखिए आपके स्क्रीन पे ये वो फोटो है जो कि सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किया था RTI का। तो आप लोग इसको देख लीजिए और इसको देख के आप ये समझ जाएंगे कि जो बताया गया है डिटेल्स ये आपको सही बताई गई है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप लोग वैकेंसी का इंतज़ार तो करिए लेकिन उसकी तैयारी भी करते रहिए क्योंकि खाली इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे फिर वैकेंसी आ जाएगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए तैयारी करना आज ही से शुरू कर दीजिए और आज ही से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए।